और ना जाने मेरा नाता इससे छूट ही नहीं रहा। कुछ ना कुछ वजह से इधर इस परिसर में मुझे आने का मौका मिल जाता है। और मैं ये कहना चाहूंगा इस मंच से कि आपकी जो भी इस बीएटी मिश्रा से संबंधित समस्याएं हैं, चाहे यहाँ का हो, देवघर का हो या लालपुर का हो, इससे जुड़ी जो सरकार के साथ आपके जो विषय हैं, इस विषय के लिए आपके लिए हम सिंगल विंडो की घोषणा करते हैं। अगर हम रेलवे को देखें, रेलवे को सबसे अधिक रेवेन्यू अगर कहीं से आता है उसको झारखंड और इस गरीब प्रदेश से आता है। कोयला लोहा तो आम सी बात है, यहाँ तो ऐसा लगता है कि अगर हम आज हॉस्टल नंबर 3 के सामने जेसीबी लेके घुस जाए तो यहाँ भी कोयला। System since 1972, Chikyut enjoys with the state. Our chairman, Board of Governors, is Mr. C.K. Birla, who happens to be the grandson of the visionary, late Sri P.M. Birla, Dr. A.P.J. Abdul Kalam, late Sri Pranab Mukherjee, Dr. Satish Dhawan, Dr. Vikram Sarabhai, Dr. Anil Kakodkar. Organizations related to infrastructure development like EDCIEL and ILF and its Bihar education projects. He was also the state technical agent for Ministry of Material, was first confirmed at the Illinois Institute of Technology, USA in 1977. His discovery of intermittent electromagnetic radiation during... He has supervised 25 PhDs, has several patents to his name. He has authored 10 professional books, has more than 250 research papers. He has been to Stanford University. मेरे साथ बहुत ही अजीब स्थिति है और अजीब स्थिति उत्पन्न होती है जब मैं इस मंच पर आता हूँ और बीआईटी मिश्रा में आता हूँ। मैं यहाँ पर बतौर मुख्यमंत्री आपके समक्ष हूँ और वाइस चांसलर साहब मुझे चीफ मिनिस्टर सर कह के बुला रहे हैं और मुझे बड़ा अजीब फील होता है कि मैं अब स्टूडेंट हूं कि गार्जियन हूं। एक ऐसा अनुभव है जिसको जो है वही इसको समझ सकता है। हमने ऐसे वक्त इस परिसर में बिताया है जब शायद कहा जा सकता है एक ये देश एक बड़े रिफॉर्म्स की तरफ बढ़ रहा था। और ये हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है और इस प्रदेश के लिए गौरव की बात है। जबकि उस समय एकीकृत बिहार में हम सब लोग थे कि 1952 में देश का ये तीसरा तकनीकी संस्थान झारखंड प्रदेश में बना। मुझे लगता है कि देश आजाद होने के बाद दे
देश के अलग अलग सोच, अलग अलग तरीके के काम करने वाले लोग, चाहे व्यापारी हों, चाहे साइंटिस्ट हों, चाहे जो एक नई ऊंचाई की ओर जाने की सोच रखते हैं, उन लोगों ने इस प्रदेश को अपने नजरों से बिल्कुल बहुत अलग तरीके से सजाने का प्रयास भी किया है। आपको पता है, जैसे कि अभी हम लोगों ने इस बात को सुना कि ये देश का तीसरा तकनीकी संस्थान है जो झारखंड में, जिसको आज हम कहते हैं झारखंड, यहां बना। इसी तरीके का HSE जैसा मदर इंडस्ट्री कहते हैं उद्योगों का, वो भी इसी राज्य में बना। देश का सबसे बड़ा, सबसे पहला जो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है वो भी इसी राज्य में बना। आज शायद कॉलेज में छुट्टी आ चल रही, नहीं तो इस हॉल में बैठने का जगह नहीं मिलता। इस परिसर, इस कैंपस को हम लोगों ने उस समय देखा था जब इसके न उधर छत होता था न इधर छत होता था, के बीच में। अब तो चूंकि बदलाव भी ऐसा है कि जरूरत के हिसाब से जो एक बदलाव और जो जरूरत है उसको भी सामंजस्य करते हुए परस्पर ये परिसर आगे बढ़ रहा है। और इसी का सामंजस्य नहीं बना पाने की वजह से कई संस्थाएं थोड़ी पीछे चली जाती हैं। ये स्वाभाविक की बात है कि आज एक छात्र होने के नाते भी मैं यहां पर रहा और कह सकता हूं कि आज एक गार्जियन के रूप में भी यहां पर आपके बीच में हूं। और दोनों जिम्मेवारी हम लोगों ने हम लोगों के हिस्से में निभाने का मौका मिला है। कुछ चीजों को वाइस चांसलर साहब ने फ्लैग किया, दिखाया जो स्लाइड में, कई सारे एलुमनाई कहां कहां कंपनियों से लेके पद्मश्री तक से सुशोभित हो रहे हैं। सब लोगों को तो BIT ने एक बड़ी ऊंचाइयों तक जाने के लिए एक लंबी ताकत देकर के यहां से विदा किया और निरंतर वो सभी आगे बढ़ रहे हैं। और ना जाने मेरा नाता इससे छूट ही नहीं रहा, कुछ ना कुछ वजह से इधर इस परिसर में मुझे आने का मौका मिल जाता है। चलिए, ये भी सौभाग्य की बात है हमारे लिए, इस BIT की समस्या का समाधान हो हम चाहेंगे। और मैं ये कहना चाहूंगा इस मंच से कि आपकी जो भी इस BIT मिश्रा से संबंधित समस्याएं हैं, चाहे यहाँ का हो, देवघर का हो या लालपुर का हो, इससे जुड़े जो सरकार के साथ आपके जो विषय हैं, इस विषय के लिए आपके लिए हम सिंगल विंडो की घोषणा करते हैं। और किसी प्राकृतिक संसाधनों से तो ये ऐसा है कि इसके बराबरी का कोई राज नहीं, बल्कि इस राज के
प्राकृतिक संसाधनों से देश का एक बहुत बड़ा जिम्मेवारी इस राज्य के कंधे पर है। देश का अगर हम रेलवेज को देखें, रेलवेज को सबसे अधिक रेवेन्यू अगर कहीं से आता है उसको झारखंड और इस गरीब प्रदेश से आता है। हमारे यहां यूरेनियम कॉरपोरेशन जैसी कंपनियां काम कर रही है, जहां जिस खनिज को लेकर दुनिया में अलग अलग तरीके से उस खनिज संपदाओं को रखते हुए सपने गाड़े जा रहे हैं। कोयला लोहा तो आम सी बात है, यहां तो ऐसा लगता है कि अगर हम आज हॉस्टल नंबर 3 के सामने जेसीबी लेके घुस जाए तो यहां भी कोयला है। तो यहां खनिज संपदा और यहां के एलुमनाइज काफी सालों से यहां आते जाते रहे। इस राज्य को प्रकृति ने बड़ा सलीके से सजाया, जमीन के अंदर भी अनगिनत खनिज संपदा और जमीन के ऊपर भी खूबसूरत वादियां। अभी यहां वाइस चांसलर साहब अपने कैंपस को बाउंड्री करने की बात कर रहे हैं। जब हम लोग इस परिसर में आए थे तो कभी इस बात की उम्मीद भी नहीं थी कि हमें इस चीज की जरूरत पड़ेगी। जैसे आज के दिन में इस ओपन थिएटर को एयर कंडीशन थिएटर में बदला गया, लेकिन समय बदलता रहता है, सोच आवश्यकताएं बदलती रहती है। अब कई सारी चीजें में बदलाव है, कभी सिक्योरिटी इश्यूज हो जाते हैं और एक ऐसा भी वक्त था जहां सिक्योरिटी इश्यूज का तो, और ये तो एक अलग कहा जाए कि रांची अपने जगह पर था, लेकिन ये बीआईटी मेसरा का जो क्षेत्र रहा है मुझे लगता है ये अलग अपने आप में एक अलग ही शहर थी, अलग ही दुनिया रही। लेकिन अब जिस तरीके से शहरीकरण और विकास के चीजें आगे बढ़ रही हैं, बगल में पता नहीं शायद इधर ही आसपास है रेलवे स्टेशन भी बन गया है, आप लोग एरियल व्यू की आप वाइस चांसलर साहब ने जिक्र किया, मैं जब इधर से संथाल पैगाना की ओर जाता हूं तो बस इसी के ऊपर से ही हमारा हेलीकॉप्टर चलता है। मैंने कई बार अपने मोबाइल में ऊपर से इस परिसर का फोटो भी खींचा है और लोगों को दिखाता भी हूं, ये देखो आज का फोटो। एक बार नहीं, कई बार, और मुझे बहुत खुशी होती है शायद इस का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ और मैं अच्छा रहा, कम से कम कोशिश करता हूं। लेकिन कभी कभी कि पहले था कि समय बिताने के लिए दोस्तों को खोजा जाता था कि चलो सिनेमा देख लें, चलो
ढाबा में खाना खा ले, लेकिन अब समय का अभाव इतना है कि मैं कभी सोचता हूं कि नहीं यहां पर रुक करके थोड़ा एक दो बार यहां पर राउंड लगा करके पूरी तरीके से मैं इसका फोटोग्राफी करूं। लेकिन मैं जिस दिन करूंगा तो जरूर अपने वाइस चांसलर साहब को इस चीज को दिखाऊंगा। हम लोग का जो यहाँ एडमिशन हुआ था उस समय का तरीका थोड़ा अलग था, आपका एडमिशन का तरीका अलग है, ऑल इंडिया एंट्रेंस बेसिस है, तो उससे अलग हटकर ये बीएचयू मिश्रा काम कर रही है। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा और मैं प्रयास करूंगा कि अधिक से अधिक झारखंड के बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने का और बेहतर शिक्षा। पॉलिटेक्निक भी करा रहे हैं आप, बीबीए कोर्स भी कर रहे हैं, मैनेजमेंट कोर्सेस भी कर रहे हैं, इंजीनियरिंग तो है ही, और इसमें क्या हम मिलकर और कर सकते हैं इस राज्य के लिए।